हेलो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत सही होंगे, बहुत ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 14, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है अनूठे संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब आपको पता है ना, संग्रहालय का क्या मतलब होता है? जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है। आपको कौन सी चीज़ संग्रह करना पसंद है? सिक्के, पेंसिल, स्टैम्प, खिलौने, कार, गुड़िया या कुछ और जो अनोखा हो। अपने खजाने की अद्भुत चीज़ों के चित्र बनाइए यहाँ पे। अरे वाह, आपका संग्रह जब आप बनाएंगे तो हमें लगेगा, अरे वाह आपका संग्रह तो बहुत अच्छा है। अपने अपने बड़ों के मुँह आपने अपने बड़ों के मुख से भानुमति के पिटारे वाली कहावत अवश्य सुनी होगी। ठीक वैसे ही अनोखी वस्तुओं को संभाल कर रखने की प्रथा भी बहुत पुरानी है। जहाँ अनोखी वस्तुओं को रखा जाता है उन्हें हम संग्रहालय कहते हैं। क्या आपने कभी, क्या आप किसी संग्रहालय में घूमने गए हो बच्चों? अगर नहीं गए तो आप अपने मम्मी पापा के साथ संग्रहालय अवश्य जाइए। ठीक, पाठ प्रवेश। अनूठे संग्रहालय हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये स्थान हमें विभिन्न कला, ऐतिहासिक अवशेष और विज्ञान के अन्य पहलुओं से अवगत कराते हैं। ये स्थान शिक्षा और संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम भी होते हैं, जो हमें हमारे इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और विज्ञान के प्रति उत्साहित करते हैं। आइए शुरू करते हैं। साक्षर, ये सब क्या है? पापा ने साक्षर की बिखरी हुई अलमारी देखकर गुस्से में पूछा। पापा, ये सब प्राचीन वस्तुएं हैं, मुझे ऐसी पुरानी अनोखी वस्तुओं व सिक्कों को एकत्रित करने का बहुत शौक है। साक्षर का उत्तर सुनकर पापा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। पापा ने स्माइल करी। बेटा, तुमने मुझे इस बारे में पहले कभी नहीं बताया। अच्छा चलो, हम कल नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम चलते हैं। पापा, म्यूजियम क्या होता है? साक्षर, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। संग्रहालय में पुरानी अनूठी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है। यह संग्रहालय खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ तरह तरह के खिलौने, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और अलग अलग देशों की मुद्राओं का संग्रह है। यहाँ एक सन गैलरी भी है, जिसमें सूरज के महत्व के बारे में रोचक तरीके से बताया गया है। पापा, क्या दुनिया में और भी संग्रहालय हैं? ये कौन पूछ रहा है? साक्षर अपने पापा से। हाँ बेटा, दुनिया में लगभग 55,000 संग्रहालय हैं। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय इंडियन म्यूजिक है, यह कोलकाता में स्थित है। इसी तरह बेंगलुरु में मस्तिष्क संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 300 से भी ज़्यादा मस्तिष्क के यानी दिमाग के नमूने तरह तरह के जार में रखे हुए हैं। एक अनोखा संग्रहालय हैदराबाद में भी है। यहाँ तरह तरह की डिज़ाइन वाली कारें हैं। वहाँ तुम्हें फुटबॉल, बैट, कैमरा, शार्पनर, बर्गर आदि के आकारों में बनी हुई कारें देखने को मिल जाएंगी। हैदराबाद में स्थित सालारगंज संग्रहालय किसी एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई दुनिया की सबसे प्राचीनतम वस्तुओं वाला संग्रहालय है। इसी तरह जयपुर में हवा महल संग्रहालय है, जहाँ सैकड़ों छोटी छोटी जालीदार सुंदर खिड़कियाँ हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, झरोखा, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। मुझे तो संग्रहालय के बारे में कुछ पता ही नहीं था पापा, मैं अन्य देशों के संग्रहालय में भी जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता है, लंदन में एक कार्टून म्यूजियम है। यहाँ विभिन्न कार्टून कैरेक्टर्स, कार्टून स्ट्रिप्स, एनिमेटेड कैरेक्टर और कैरिकेचर्स हैं। यहाँ कार्टून से जुड़ी लगभग 5,000 किताबें और 4,000 कॉमिक्स हैं। जानना चाहते हो, दुनिया के बहुत से लोग अजीबोगरीब चीज़ों को ना सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया को दिखाने के लिए म्यूजियम भी बना लेते हैं। ऐसा ही एक म्यूजियम है जापान के ओसाका में। इसका नाम है मोमोफुकू। क्या नाम है? मोमोफुकू इंडो इंस्टेंट रेमेन, या इंस्टेंट नूडल्स, कप नूडल्स, और इसे बनाने वाले व्यक्ति मोमोफुकू एंडो से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं। म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट, इसका लक्ष्य है खराब आर्ट की भी तारीफ करना, ताकि किसी भी कलाकार की मेहनत बर्बाद ना हो।
कला कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसे देखने के लिए हमेशा दर्शक मिल जाएंगे। तो अमेरिका में एक हॉल ऑफ हीरोज़ म्यूज़ियम भी है। यहाँ पिछले 72 सालों में सारे सुपर हीरोज़ का इतिहास संग्रहित है। सुपर हीरोज़ तो मुझे बहुत पसंद है पापा, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे ना, साक्षर ने पापा से मनोहार करते हुए पूछा। हाँ बेटा क्यों नहीं। अच्छा तुम्हें पता है भारत में भी अनेक अनोखे म्यूज़ियम हैं। क्या तुम कभी सोच सकते हो कि साफ सफाई के महत्व को दर्शाने के लिए भी कोई म्यूज़ियम हो सकता है। हाँ, नई दिल्ली में एक ऐसा म्यूज़ियम है, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। बता सकते हो कि ये म्यूज़ियम क्यों बनाया गया होगा? ताकि सब सफाई के महत्व, साफ सफाई के महत्व को समझ सकें, साक्षर ने जवाब दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, अब इस रविवार को सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम राष्ट्रीय बाल संग्रहालय घूमने चलेंगे। हुर्रे कहकर साक्षर खुशी से दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो बच्चों आपने भी जाना कि हमारे देश में और विदेशों में किस कितने कितने अलग अलग तरह के संग्रहालय हैं। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, एकत्रित लक्ष्य राष्ट्रीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम, हैदराबाद मस्तिष्क, सालारगंज, सालार जंग और दर्शक। और अब करते हैं बात शब्दार्थ की। अनोखी का अर्थ है विशेष वस्तु, एकत्रित यानी इकट्ठा, म्यूजियम संग्रहालय या अजायब घर, संग्रह का अर्थ है जमा करना, रोचक यानी मजेदार, कैरिकेचर विरूप चित्र, चित्रण किसी व्यक्ति के रूप को बिगाड़ कर चित्र बनाते हैं जो कार्टून की तरह, तो उसे क्या बोलते हैं? कैरिकेचर। आर्ट यानी कला, लक्ष्य यानी उद्देश्य, दर्शक देखने वाले, मनोहार यानी विनती या खुशामद और महत्व का अर्थ है उपयोगिता। अब हमसे पूछा है सन गैलरी के बारे में, आप बताओ सन गैलरी में क्या होता है? सन गैलरी में सूर्य की उपयोगिता के महत्व के बारे में बताया जाता है। पापा का गुस्सा मुस्कान में क्यों बदल गया? पापा का गुस्सा मुस्कान में यूँ बदल गया जब उन्हें लगा, अरे मेरा बेटा साक्षर को भी संग्रहालय चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक है, उसे भी चीज़ों को संग्रहित करने का शौक है। लंदन के म्यूज़ियम के बारे में आप क्या जानते हैं? लंदन के म्यूज़ियम जो है कार्टून म्यूज़ियम है, वहाँ पे कार्टून कैरिकेचर्स, कार्टून करेक्टर्स और भी बहुत सारी कार्टून से रिलेटेड चीज़ों का जो है वो म्यूज़ियम है। और वहाँ पे 5,000 कार्टून्स और 4,000 कार्टून की बुक्स हैं वहाँ पर। हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय के बारे में बताओ। हैदराबाद में जो है वहाँ पे जो संग्रहालय है वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो है कारें हैं, अलग अलग डिज़ाइन की, कोई शार्पनर की, कोई बैट की, कोई कैमरा की, कोई फुटबॉल की, कोई बर्गर, मतलब अलग अलग डिज़ाइन की कारों का संग्रहालय है वह। पापा ने साक्षर को कहाँ ले जाने की बात की, वहाँ की क्या विशेषताएँ? पापा ने साक्षर को नेशनल म्यूज़ियम में ले जाने की बात की जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे जो है पुराने बहुत सारी चीज़ें संग्रहित हैं, वहाँ के टिकट्स, खिलौने, गुड़िया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सिक्के, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो हैं बहुत पुरानी, वो सब वहाँ पे संग्रहित की हुई हैं। तो पापा ने साक्षर को अगले संडे वहाँ पे ले जाने की बात करी। और अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कलकत्ता। कोलकाता में ब्रेन म्यूजियम में किसके नमूने रखे गए हैं? हाथ के, पैर के, दिमाग के, आँख के, दिमाग के। अनोखे डिज़ाइन वाली कारों का संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ, पटना, मुंबई या हैदराबाद? हैदराबाद में। जयपुर में स्थित हवा महल संग्रहालय की क्या विशेषताएँ हैं? छोटी कारें, छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटे दरवाजे, बहुत से पेड़, छोटी छोटी खिड़कियाँ। साक्षर को किन वस्तुओं को संग्रह करने का शौक था? सिक्कों, टिकटों का, खिलौनों का या पुस्तकों का? सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक था। और अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछ रहे हैं ये, अब हम मेरे किसानों की पूर्ति करनी है, वो म्यूजियम का अर्थ संग्रहालय, संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता, बेंगलुरु में मस्तिष्क संग्रहालय उपस्थित है और लंदन में कौन सा है? कार्टून म्यूजियम।
कार्टून म्यूजियम है। अब है पाठ के आधार पर लिखो किसने किससे कहा, म्यूजियम क्या होता है, ये किसने कहा था, ये कहा था साक्षर ने, किससे कहा था, अपने पापा से, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे ना, ये भी किसने कहा था, ये भी साक्षर ने पापा से। हैदराबाद में भी एक अनोखा संग्रहालय है, ये किसने कहा था, पापा ने, और किससे कहा था, किससे कहा था, साक्षर से। इसका लक्ष्य है खराब आर्ट की तारीफ करना, ये भी किसने बताया था, पापा ने, और किसको बोला था, किससे कहा था, साक्षर से। तो अभी हमने किया किसने कहा, किससे कहा, और रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित संग्रहालय को उनके स्थान से मिलाइए। तो अब हमें सोच समझकर उनसे मिलाने हैं, या जैसे कि नेशनल चिल्ड्रेन म्यूजियम आ गया नई दिल्ली, हवा महल आ गया जयपुर, कार्टून म्यूजियम आ गया हमारा लंदन, म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट अमेरिका, और मोमोफुकू इंडो ये जापान में। इनको हमने उनके स्थान से सही स्थान से मिला दिया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। अमेरिका के बैड आर्ट म्यूजियम की क्या विशेषता है, वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ पे बैड आर्ट क्यों है, लेकिन कि कलाकार की कला को जो है हमें उसको प्रोत्साहित जो है हमें करना होता है, इसलिए उसकी तब भी हम वहाँ की तारीफ करते हैं, वहाँ पे बुरी से बुरी आर्ट भी होती है तो भी हम उसको म्यूजियम में रखते हैं, और उसको हम जिसे कलाकार जो है वो निराश ना हो। भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है, भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कोलकाता में है, और कौन क्या नाम है उसका, इंडियन म्यूजियम। पाठ में उल्लेखित जापान में स्थित म्यूजियम के बारे में बताओ, ये जापान के ओसाका जगह पे है, और जो ये है इसमें इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कप नूडल्स जो इसको बनाने वाले हैं उनके ही नाम से ये म्यूजियम है, इंडो फोको म्यूजियम। बेंगलुरु में संग्रहालय में क्या है, वहाँ आपके लिए क्या खास है, बेंगलुरु में मस्तिष्क का म्यूजियम है, ब्रेन म्यूजियम है, और 300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के दिमाग का म्यूजियम है, जिस जहाँ पे अलग अलग तरह के जो 300 से ज़्यादा दिमाग हैं वो जार में रखे हुए हैं, तो ये वहाँ का एक खास म्यूजियम है। इस साफ सफाई के महत्व वाला म्यूजियम कहाँ है, इसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट, ये नई दिल्ली में, यहाँ पर साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय कहाँ है, इसे ध्यान में रखकर बनाया गया है, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है, और ये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यहाँ पे बच्चों से संबंधित सारी चीज़ें, खिलौने, सिक्के, टिकट्स, और बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ये बच्चों के लिए म्यूजियम है ये। तो बच्चों ये था हमारा आज का पार्ट, और आशा करती हूँ इसके माध्यम से आपको थोड़ी सी संग्रहालय म्यूजियम्स के बारे में भी जानकारी मिली होगी। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।